नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोम डिस्टिलरीज के Q3 के नतीजों के बारे में। यहां पे हम बात करेंगे किस तरीके के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम बदल के सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज लिमिटेड रखा गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नाम बदलने वाला था कंपनी का, तो अब वो नाम यहाँ पे सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज एंड वाइनरीज लिमिटेड से बदल कर सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज लिमिटेड यहाँ पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कंपनी ने 350 करोड़ रुपए तक की फंड रेजिंग का जो है प्लान यहाँ पे कहीं ना कहीं बनाया है। ये सारी चीज जो है वो कहीं ना कहीं प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, QIP या फिर और भी अलग मेथड जो है उनके थ्रू की जा सकती है, पब्लिक इशू के जरिए की जा सकती है। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको नतीजों से पहले ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले कि किस तरीके के जो है नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने पेश किए। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके के नंबर आपको आते हुए दिखाई दे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने सारे जो आंकड़े वो आपको लाख में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर इस क्वार्टर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके की टोटल इनकम का नंबर आपको आता हुआ दिख रहा है, 500 करोड़ के आसपास का नंबर आपको देखने में रहे लाख में। जिसे हम करोड़ में कन्वर्ट के बात करें तो 500 करोड़ टोटल इनकम आते हुए दिख रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 466 करोड़ थी और 307 करोड़ जो थी वो आपको पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने में रही थी। तो अगर आप 307 करोड़ से देख रहे हैं तो 500 करोड़ का नंबर तो एक अच्छा खासा जंप जो है साल दर साल इनकम में देखने को मिल रहा है। लेकिन इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंस में कितनी बढ़त है, 477 करोड़ के आसपास की एक्सपेंस इस क्वार्टर में हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 447 करोड़ थी और लास्ट ईयर 296 करोड़ थी। तो साल दर साल 296 करोड़ से 477 करोड़ की एक्सपेंस भी होती है दिख रही है। तो एक बड़ा एक्सपेंस का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सारे टैक्स को निकाल देने के बाद अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड का अगर आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो आता है वो दिख रहा है ऑलमोस्ट 18 करोड़, यानी कि 17.9 करोड़, यानी कि 18 करोड़ के आसपास देखने मिल रहा है, जो पिछले साल जो था लगभग 10.5 करोड़ के आसपास देखने मिल रहा था और पिछले क्वार्टर में देखें तो 14.8 करोड़। तो साल दर साल 10 साढ़े 10 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 14 करोड़ 80 लाख से बढ़ के यह आंकड़ा इस बार 18 करोड़ के आसपास का देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईपीएस भी आपको प्रॉफिट के हिसाब से ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 2 रुपए 32 पैसे की ईपीएस इस बार आती हुई दिख रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो पिछले क्वार्टर में 1.89 की ईपीएस थी जो कि इस बार बढ़ गई, पिछले साल 1.5 रुपए के आसपास की कहने की ईपीएस थी जो कि बढ़ के इस बार 2 रुपए 32 पैसे आपको होती हुई दिख रही है। तो साल दर साल यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखें 70-75% जो है मुनाफा साल दर साल बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक बहुत ही शानदार जो है नंबर आपको कंपनी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक प्राइस से भी लिहाज से अगर आप देख रहे हैं स्टॉक का किस तरीके का नंबर देखने को मिल रहा है, तो 297 के आसपास स्टॉक जो है वो क्लोज आपको होता हुआ दिख रहा है, 2.67% की तेजी। इंट्राडे अगर आप देख रहे हैं 302 रुपए का हाई स्टॉक ने लगाया और 298 के आसपास जो इसकी एवरेज क्लोजिंग आती हुई दिख रही है, 19,67,000 के आसपास के वॉल्यूम देखने मिले। 52 वीक रेंज अगर आप देख रहे हैं, 112 का लो है और 390 का इसने हाई बनाया था, तो ऊपरी लेवल से लगभग 90 रुपए नीचे, लेकिन निचले लेवल से देखे तो 2-2.5 गुना से भी ज्यादा ये स्टॉक हो चुका है पिछले 1 सालों में और तगड़ा रिटर्न जो है बना के दिया। अगर आप इसकी वैल्यूएशन चेक करते हैं आपको कहीं ना कहीं अच्छी देखने मिलेगी। मात्र 2300 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 9.7 की ईपीएस है, 30 के पीई पे स्टॉक आपको अवेलेबल है, 6.04 की प्राइस टू बुक है स्टॉक की, सेक्टर पी ऑलमोस्ट 77 के आसपास का है, तो कहने के उसके मुकाबले एक अच्छी वैल्यूएशन पे है। और जिस तरीके से यहाँ पे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को पसंद आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चार्ट्स पे अगर देखें कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, हमने देखा लगभग जैसे नतीजे 3.25 के आसपास आए स्टॉक में तेज बाउंस जो है वो कहने के बनता हुआ दिखाई दिया, एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में ऊपर की तरफ आपको आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे हम डेली चार्ट पे बात करें किस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो फिलहाल अगर आप देखेंगे 200 दिन के ईएमए के आसपास कहने के स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 290 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 280-290 की रेंज पे यहाँ पे हमने देखा बहुत लंबा कंसोलिडेशन, 280-285 की रेंज में यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लगभग मल्टीपल टाइम लिया है और फाइनली आज के दिन अगर आप देखें तो एक रिवर्सल की कोशिश होती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट आपको यहां से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। तो इस लेवल पे अगर ये कंटिन्यूएशन रहती तेजी और आज वॉल्यूम भी जो है पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देख रहे हैं बढ़ते हुए दिख रहा है, स्टॉक प्राइस में भी आपको राइज देखने मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में 300+ के लेवल भी आपको आने वाले दिनों में बहुत आसानी से दिखा सकता है और कहीं ना कहीं 300-325 के टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है।
अक्टूबर के आसपास देखेंगे तो 390 तक का हाई से स्टॉक में लगा था, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन भी होता हुआ दिखा है। 300 के नीचे स्टॉक गया था तो ऊपरी लेवल से भी एक बड़ा करेक्शन आपको फिलहाल देखने मिल चुका है। लेकिन अगर आप साल भर के लिहाज से देख रहे हैं तो पिछले 1-1.5 सालों में यहाँ पे इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो बना के दिए हैं। लगभग अगर आप देख रहे हैं 2022 के आसपास तो ये स्टॉक आपको 30-35 रुपए के लेवल पे चलता हुआ दिख रहा था, जो कि आज कहने के 300 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पिछले 1-2 साल में इस स्टॉक ने आपके पैसे जो है लगभग 10-20 गुना कर दिए, कहीं ना कहीं अगर इसको कहा जाए तो कम नहीं होगा, और बहुत ही शानदार रिटर्न जो है वो बना के दिया है। तो हो सकता है जिस तरीके से कंपनी का मुनाफा और कंपनी का बिजनेस चलता हुआ दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस आती है तो आपको यहाँ से भी और भी मल्टीफोल्ड रिटर्न बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस माइंड में रखना चाहिए और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल्स का रेस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर बिगड़ा तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।